नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोग भी औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती पहली बार करने जा रहे हो और आप लोगों को इसकी खेती के बारे में कोई अनुभव नहीं है और आप लोग सिर्फ YouTube पर देखकर ही इसकी खेती करने की सोच रहे हो, तो किसान भाइयों आज ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि इसकी खेती में होने वाले एक बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाओ। अब किसान भाइयों, अगर आप लोगों को इसकी खेती का कोई अनुभव नहीं है और ना ही आपके क्षेत्र में किसी ने इस तरह की खेती की है और आप ही पहले किसान हो जो इसकी खेती करने जा रहे हो और आपने भी सिर्फ YouTube या TV या अन्य किसी माध्यम से ही इसकी खेती के बारे में जाना है, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो रियल में किसान नहीं होते। उनका मकसद, उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना रहता है, यूट्यूब से पैसा कमाना रहता है और जो बीज भंडार वाले होते हैं उनसे उनका कमीशन रहता है। तो किसान भाइयों, उनकी बातों में आकर आपको खेती कभी नहीं करनी है। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो आपको पहले साल में 1 किलो या 2 किलो बीज खरीद लेना है और उसी बीज से आप लोग जो दूसरी खेती कर रहे हो उसके साथ में, या तो सर्दियों में या फिर बारिश के टाइम में, सर्दियों में आप इसकी खेती करो तो आपको सितंबर या अक्टूबर में करनी है और बारिश के मौसम में करो तो अगस्त के बाद में करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हो तो आप 1 किलो या 2 किलो बीज खरीद लो और जो अन्य फसल आप कर रहे हो उसी के साथ में, सर्दियों या गर्मियों में आप उसी के साथ में इसकी बुआई कर दो ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि इसकी खेती हमारे क्षेत्र की मिट्टी में हो सकती है अन्यथा नहीं। अगर किसान भाई आप लोग मेरी तरह 2 बीघा, 5 बीघा या 10 बीघा में पहली बार ही इसकी खेती कर लोगे और आपके क्षेत्र का वातावरण, मिट्टी और पानी का तालमेल अगर नहीं बैठा तो आपकी खेती चौपट हो सकती है और जो आपने 1 बीघे से लाखों रुपए कमाने के जो सपने देखे हैं वो सपनों के ऊपर भी पानी फिर सकता है। तो किसान भाइयों, आपको YouTube पर देखकर कभी इसकी खेती नहीं करनी है, आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि कोई भी किसान पहली बार में इसकी ज़्यादा खेती करके एक बहुत बड़े नुकसान को न्योता ना दे, क्योंकि किसान भाइयों अश्वगंधा का बीज बहुत महंगा आता है और अगर खेती नहीं लगी तो चिंता का विषय बन सकता है। जो किसान भाइयों मैं भी इसकी खेती में नुकसान झेल चुका हूं और वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का कोई भी किसान, जो गलती मैंने की, जो नुकसान मैंने उठाया, वो नुकसान वो ना उठाए और